नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है न्यू बिजनेस टेक एंड सपोर्ट में। जैसे कि हमने बताया था कि एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़ा धमाका होने वाला है। अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने एक रेंज आपको बताई थी। अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक करता है जिस भी तरफ, उस तरफ एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट कैंडल ने, 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है, उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और सपोर्ट लेके, जो हमने रेंज बनाई है वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर निकला। अगर आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला। बैंक निफ्टी जो है उसमें 900 पॉइंट तक उछाल देखने को मिला और निफ्टी जो है उसमें भी बहुत ही बड़ा, यानी कि 200 पॉइंट तक का उछाल हमें देखने को मिला। फिन निफ्टी में प्रीमियम जो है 1,100-1,500% तक बढ़ते हुए हमें दिखे और एक बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे हमारे सारे इन्वेस्टर का बना। अगर आप यहाँ पे हमारे प्रेड ग्रुप को देखोगे तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे कॉल की बारिश हुई और सब लोगों ने दबा के पैसा कमाया। एक यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% तक आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, जाकर के टीम से बात कर सकते हो। आपको वो बताएंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ओके। लेकिन आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो एंजल वन अकाउंट है वो आपको हमारे साथ जोड़ना होगा ऑलरेडी, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उस लिंक से आपको एंजल वन का अपना अकाउंट जो है वो खोलना होगा। अगर आपको कोई दुविधा या दिक्कत होती है उसमें, टीम से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका 5,000 रुपये का मंथली प्रीमियम है। आप फ्री में हमारे साथ 1 महीना जुड़ सकते हैं। चलिए मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो रेंज बताई थी, उस रेंज के जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट एक तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे कॉल की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई, डेफिनेटली सी बात है। और हमने बताया था कि अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तो इसी रेंज में मार्केट घूरेगा, ओके, कोई बात नहीं, हो गया। जिन लोगों ने सीरियसली लिया था उन लोगों ने पैसे बनाए, जिन लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखा था तो आज पूरा देख लेना, कल के दिन में क्या हो सकता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखो छोटा सा, यहाँ पे मैं छोटा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा W पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सा W पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ, इसका मतलब क्या है कि और मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कल सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सपोर्ट को यहाँ पे मार्क कर लेना है। मैं सीधे यहाँ पे सपोर्ट को आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। एक लाइन जो है ना यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ हम यहाँ पे, ये हम यहाँ पे एक लाइन जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट 5 मिनट का जो है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा, इस लाइन को कल को दिन आपको देख रहा है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी कि यहाँ पे गैप डाउन यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, तो आपको क्या करना है, एक और लाइन में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने एक और लाइन जो है इसको ड्रॉ कर दिया, ओके। चलिए ये 2 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर गैप डाउन होता है यहाँ कहीं होता तो, अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है 52,500 के आसपास सपोर्ट लेता है, तो फर्स्ट जो टारगेट होगा ना वो अपना होगा जो यहाँ पे कल के क्लोजिंग जो कहाँ पे है 52,630, वो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है तो गैप डाउन ओपन हो गए, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और इसको तोड़ता है तो यहाँ पे होगा। अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे W पैटर्न, हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग भी हो और भी मार्केट में उछाल आने की शक्यताएं हो सकती है, तो क्या होगा, कहाँ पे होगा, तो एक और ट्रेड लाइन में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले लेवल्स। यहां पे एक और ट्रेड लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है। देखो, अगर कल गैप आप ओपनिंग होती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा यहाँ पे होगा, अप होगी, यहाँ पे सपोर्ट लगा, अगर ऊपर की ओर मार्केट जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे आपको देख लेना इस लाइन को, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी लाइन अपने चार्ट में 5 मिनट का जो चार्ट फ्रेम है उसमें ड्रॉ कर लीजिएगा, तो कल के दिन में आप बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करोगे वो आपको पता चल जाएगा। वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए प्रीमियम, जैसे कि मैंने कहा कि आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल वन का हमारे साथ जुड़ के, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कर लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 महीने तक आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, जिसकी फीस 5,000 रुपये, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। तो देखो, ये ट्रेड लाइन जो मैंने दो यहाँ पे बनाई हुई है, इसके हिसाब से आपको कल के दिन में ट्रेड करना है, डेफिनेटली आपका पैसे बनने के चांसेस हैं। और अगर ये W पैटर्न कल फेक साबित होता है तो मार्केट यहां जो है रेजिस्टेंस बनाएगा, ये जो हमारा सपोर्ट लाइन हमने बनाया ना, ये रेजिस्टेंस बनाएगा, यहां पे गैप डाउन होगा, यहां कहीं जाकर के यहां पे रेजिस्टेंस बनाएगा, और यहां पे जब रेजिस्टेंस बनाए कंसोलिडेट करे तो यहां से आपको एंट्री लेनी है पुट की साइड में, और फर्स्ट जो आपका सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा यहां पे 52,100 के आसपास, यहां पे फर्स्ट सपोर्ट आपको देखता हुआ मिलेगा। तो कल के दिन में इस सारे चीजों को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, तो यहां पे हमने देखो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट फ्रेम जो है वो ओपन कर लिया है। यहां पे भी देखो भाई, निफ्टी ने जैसे ही यहां पे ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा रैली हमें देखते को मिला कॉल की तरफ, 200 पॉइंट तक निफ्टी भी आज के डेट में बड़ा है
और अच्छा खासा पैसा सब लोगों को दिया है। अब जल्दी जल्दी पता लगा लेंगे निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, क्या हो सकती है चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आपको एग्जैक्टली मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ। ये जो आज की क्लोजिंग है कहाँ पे, आज की क्लोजिंग 23,721 के आसपास, यानी कि 20 पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से जो क्लोजिंग है वहीं पे ही हम पहला अपना ट्रेड लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट एक जो है ड्रॉ लाइन एरिया। अब कल मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा मार्केट का। अगर नीचे ओपन यानी कि अब डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे वापस जाएगा मार्केट, यहाँ पे कंसोल करेगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हमें ट्रेड मिलेगा। अगर कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे नीचे आएगा गैप अप ओपन, तो मार्केट नीचे आएगा। जब यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे कंसोल करे, तो हमारा क्या होगा, वापस से जब मार्केट ऊपर की ओर, इसके ऊपर की ओर क्लोजिंग देगा, तब हम जो है कॉल की तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। और हो सकता है मार्केट कल की डेट में साइडवेज मूवमेंट में रहे, तो भी यही हमारा एक जो हमने यहाँ पे ड्रॉ लाइन किया है ना, यही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी जो भी सारी चीज़ें होंगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कॉल के साथ अपडेट कर दूंगा। कि आपको कुछ कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक कमेंट और शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे लोग वीडियो यहाँ पर लगातार आपको मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।